सो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। सो गाइस एसएससी सीपीओ टीयर टू की आंसर की आ चुकी है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। हालांकि इस बात से मैं आपको अवगत कराने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको अवगत कराने आया हूं कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर की आंसर के भी बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल डेफिनेटली गाइस, अगर मैं बात करूँ सीपीओ के एग्ज़ाम की, तो सीपीओ का एग्ज़ाम आपका हुआ था 8 नवंबर में और आपकी आंसर की आ चुकी है 10 दिन के अंदर अंदर। तो ऐसे में बच्चों एसएससी स्टेनो की आंसर के भी आपके सामने बहुत जल्द होगी। जैसे कि ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आंसर की आपके सामने बहुत जल्दी होगी, बिकॉज एमटीएस की आंसर की भी इन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर आपके सामने दे दी थी। सो मैक्सिमम 25 नवंबर तक आपके सामने आंसर की होगी। उसके बाद में आप लोग बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं या फिर हम लोग आपको बहुत क्लियरली बता सकते हैं कितने मार्क्स वाला सेफ है, यानी कि किसको 2021 की तैयारी करनी होगी और किसको स्किल की। बस अब यहाँ से मुश्किल से 5 या 6 दिन की बात और रह गई है, आंसर की बहुत जल्द आपके सामने होगी। सो लगे रहिए अपनी तैयारियों बच्चों और वेट करते रहिएगा आंसर की का, तब तक जब तक आपको कुछ क्लियर ना हो जाए, क्योंकि अभी एक्यूरेसी क्या रही है आपके, कितने मार्क्स सही हैं कितने मार्क्स सही नहीं, ये आंसर की आने के बाद ही क्लियर होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।